नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। माय डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल दैट वी हैव बीन डूइंग टेंसेस फॉर लास्ट सम डेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर दिस वीडियो आई हैव गिवन यू 8 पार्ट्स ऑफ टेंसेस। सो दिस इज पार्ट नंबर 9। सो डियर फ्रेंड, If you have not watched those 8 parts, so I personally request you, I personally suggest you to watch them first and then see this one. Yes, तो साथियों, जो last part हमारा था, 8 number जो part था, उसमें हमने किया था कि जो tense है भाई, वो हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है, है ना? और वो दो चीज़ें कौन सी हैं साथियों? वो दो चीज़ें कौन सी है भाई? वो दो चीज़ें हैं, एक तो रिलेट करना, एक तो क्या है साथियों, रिलेट करना, और दूसरा है भाई ड्यूरेशन बताना। एक तो क्या है साथियों, रिलेट करना, और दूसरा है मेरे दोस्तों ड्यूरेशन बताना। तो रिलेट करने की जो कहानी थी भाई, वो हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, ठीक है? उसके लिए आप उस वीडियो को पहले देखें, ठीक है? और अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट समझ आता है और आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो अगली वीडियोस मेरी होंगी वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और दोस्तों, शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मुझे मिल रहा है, बहुत प्यार आपसे मिल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और हम लोगों ने आज हमारा YouTube चैनल पर 26 से 27वां दिन है, और 250 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है साथियों? ये मेरे एफर्ट्स नहीं हैं, ये आप लोगों के एफर्ट्स हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि आप इस प्यार को इसी तरीके से बरकरार रखें। तो साथियों, आइए टेंस की हम बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं भाई किसकी? ड्यूरेशन की, ठीक है? ड्यूरेशन की हम बात करते हैं। इस ड्यूरेशन के अंदर मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही प्यारी प्रेपोजिशन से मिलाना चाहूँगा, और जिस प्रेपोजिशन का नाम है भाई बाय। इस क्या है भाई? बाय। अब ये जो प्रेपोजिशन है ना मेरे साथियों, ये जो प्रेपोजिशन है वो हमें बताती है भाई कंप्लीटनेस के बारे में, कंप्लीटनेस, इस कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन के कंप्लीट होने के बारे में हमें ये बताती है। और आप लोग सभी अच्छे से जानते हो, ठीक है? अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं, तो उसमें आप पाओगे कि जो कंप्लीटनेस को दिखाता है, हमारे पास में सिर्फ एक ही टेंस है भाई, वो कौन सा है भाई? परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है साथियों? परफेक्ट टेंस हमारे पास है, जो कंप्लीटनेस को दिखाता है, ठीक है? तो इसको समझाने से पहले मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा मोहब्बत भरा सेंटेंस लिखना चाहूँगा, ठीक है? खैर, एक सेंटेंस तो क्या है, मैं आपको उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मैं वो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ मेरे दोस्तों भाई, हम सेंटेंस आपके सामने वो लिखते हैं, राज डैश फी। अब इसमें आगे जो है ना, वो मैं बाय के साथ वो टाइम लिखता हूँ, ठीक है? फर्स्ट है हमारे लिए भाई बाय टुमारो, सेकंड ऑप्शन में है भाई बाय यस्टरडे, और साथियों थर्ड में है हमारे साथ में बाय नेक्स्ट डे, फोर्थ में है मेरे दोस्तों लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, फिफ्थ ऑप्शन में है भाई, ये बाय और है भाई इसके पहले, ठीक है? बाय टुडे, ठीक है? बाय टुडे। सिक्स्थ में है भाई बाय दिस वीक, और भाई सेवन्थ नंबर हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें है बाय
नाउ, ठीक है भाई, बाय नाउ। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका सेंटेंस है ना, आप ये मत सोचो कि आपके सामने सिर्फ एक सेंटेंस आपके टीचर ने लिखा है, ठीक है। आपके टीचर ने आपके सामने 7 सेंटेंसेस लिखे हैं और आपको उसमें से मतलब पढ़ना कैसे इसको कि भाई राज डैश दफी बाय टुमारो, राज डैश दफी बाय यस्टरडे, ठीक है। अब देखो बाय सबके साथ में कॉमन लगा हुआ है और हमें ये पता है कि जो बाय है वो कम्प्लीटनेस के बारे में बताता है भाई, ठीक है। कम्प्लीटनेस किसकी? एक्शन की, ठीक है। और कम्प्लीटनेस को बताने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही टेंस है, वो है भाई परफेक्ट टेंस, ठीक है, परफेक्ट टेंस। अब यूँ देखें कि इस परफेक्ट के भाई 3 पार्ट हैं भाई, प्रेजेंट है, पास्ट है और भाई फ्यूचर है ना। तो 3 परफेक्ट हमारे सामने हैं, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, भाई पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो मैं इसके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपके सामने भाई, ऑप्शंस हैं वो आपके सामने मैं यहाँ लिखता हूँ। पहले ऑप्शन में मैंने लिखा हैज पेड, दूसरे में लिखा साथियों हैड पेड, तीसरे में लिखता हूँ भाई विल हैव पेड। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और भाई फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो अब हमें फैसला ये करना है कि भाई किस अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, किस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ से ठीक होगा, ठीक है भाई। कौन से नंबर सेंटेंस में कौन सा नंबर ऑप्शन हमारा ठीक यहाँ पर होगा, इसका हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं भाई, राज डैश द फी बाय टुमारो, ठीक है। अब जहाँ पर टुमारो आ गया है, टुमारो आ गया है तो भाई वो डेफिनेटली किसकी तरफ इशारा करता है भाई, फ्यूचर की तरफ, है ना। और बाय की वजह से क्या हुआ भाई, परफेक्ट टेंस, ध्यान से देखना भाई, टुमारो करता है फ्यूचर की तरफ इशारा और बाय की वजह से क्या हुआ, परफेक्ट। तो आपका क्या होगा भाई फर्स्ट ऑप्शन के लिए, आपका आंसर क्या होगा भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या बना भाई, राज विल हैव पेड द फी बाय टुमारो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो आप जान ही गए होंगे, अब यस्टरडे आ गया है तो यस्टरडे किसकी तरफ इशारा करता है आपका, पास्ट की तरफ, ठीक है, पास्ट की तरफ। और बाय है तो भाई परफेक्ट की तरफ, है ना। तो ये जो है भाई क्या होगा भाई, पास्ट परफेक्ट। तो दूसरे के लिए जो आपका आंसर हुआ भाई वो क्या है, राज हैड पेड द फी बाय यस्टरडे, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं भाई थर्ड की तरफ भाई, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के साथ में कोई भी टाइम बताने वाला शब्द आ जाए भाई, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट नाइट, है ना, नेक्स्ट बर्थ, तो भाई वो हमेशा किस में जाएगा भाई, फ्यूचर की तरफ, है ना, फ्यूचर की तरफ इशारा करता है और बाय करता है परफेक्ट की तरफ, ठीक है। तो भाई आपका जो थर्ड नंबर सेंटेंस है उसके लिए जो आपका आंसर होगा भाई वो कौन सा होगा साथियों, वो होगा भाई राज विल हैव पेड द फी बाय द बाय नेक्स्ट डे, ठीक है, इस बाय नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट भाई, लास्ट के साथ में आपने पढ़ा होगा टेंस, लास्ट के साथ में कोई भी टाइम बताने वाला शब्द आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट बर्थ, ठीक है। तो वो क्या कहता है भाई, किसकी तरफ इशारा करता है, पास्ट की तरफ, और बाय है तो भाई परफेक्ट। तो आपका फोर्थ नंबर के लिए जो है भाई आंसर क्या बन गया भाई, हैड पेड, राज हैड पेड द फी बाय लास्ट नाइट, ठीक है भाई, बाय लास्ट नाइट। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बाय टुडे, राज डैश द फी बाय टुडे। अब आप इस समय को क्या मानकर चलोगे, बाय टुडे भाई इस समय को क्या मानकर आप चलोगे, इस ये आंसर आपको देना है। सोचकर वीडियो को पॉज कीजिए, पहले सोचिए भाई, दिमाग के जो घोड़े हैं वो अच्छे से दौड़ाइए भाई। आपने टुमारो को फ्यूचर कहा, यस्टरडे को पास्ट कहा, नेक्स्ट डे को आपने फिर से फ्यूचर कहा, लास्ट नाइट को आपने कहा पास्ट। तो मेरे साथियों जो टुडे है ना उसको आप क्या कहोगे, ध्यान से सोचना है, ठीक है। चलो अब इस टुडे को हम देखते हैं भाई, एक बार इसको टाइमलाइन के ऊपर हम देखते हैं भाई, ये रहा आपका टुडे, ठीक है, ये रही नीचे आपकी भाई टाइमलाइन, ठीक है। सपोज कीजिए भाई
ये सपोज कीजिए अभी जो आपका टाइम है प्रेजेंट, वो कौन सा है भाई? प्रेजेंट। इससे आगे जाएंगे तो क्या होगा भाई? फ्यूचर। इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा साथियों? क्या होगा भाई? पास्ट होगा। ठीक है, तो जो टुडे है, टुडे में बात किसी और भाई 24 आवर्स की। ठीक है, आपका जो टुडे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? यस 12 AM से लेकर भाई 11:59 तक। ठीक है, 59 PM यहाँ तक ये टुडे इसके अंदर समाया हुआ भाई, 12 बजे से लेकर 11:59 तक, क्योंकि 12 बज जाएंगे तो फिर तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, है ना? यस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मान लीजिए कि जो आपका काम है ना, आप प्रेजेंट में हो यहाँ। ठीक है, भी प्रेजेंट में मैं ये मानकर चलता हूँ, मान लो अभी बजे हुए हैं भाई 4, इवनिंग के 4 बजे हुए हैं। ठीक है, आपने कहा भाई राज डैश द फी बाय छुट्टी, तो भाई यहाँ तक का जो दिन है साथियों वो तो हो चुका है आपका, है ना? यहाँ तक का दिन हो चुका है, लेकिन जो टुडे है वो तो अभी फिनिश नहीं हुआ है, राइट? तो ये जो टेंस है, यस, ये जो टुडे नाम का जो वर्ड है, ये जो टुडे नाम की एक एडवर्ब है, वो साथियों बात करती है इस बचे हुए टाइम की तरफ। और ये बचा हुआ टाइम क्या है भाई? ये तो प्रेजेंट है, पीछे गए वो पास्ट है, और बचा हुआ टाइम क्या है आपके लिए भाई? फ्यूचर है। क्या है साथियों? फ्यूचर है। तो ध्यान से देखना है, तो आपके लिए ये क्या हुआ भाई? फ्यूचर, और बाय की वजह से क्या होगा? परफेक्ट। ठीक है, फिर से ध्यान से देखो, ये आप प्रेजेंट में यहाँ 4 बजे हैं। ठीक है भाई, आपका जो टुडे है वो 12 बजे से लेकर 12 AM से लेकर रात को और 11 PM तक रहा। अगर 11:59 तक रहा, 11:59 के बाद अगर आप जाते हो तो नेक्स्ट डे हो जाता है भाई। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो साथियों आप आ गए हो, यहाँ तक तो आपका काम नहीं हुआ है, यहाँ तक तो आपका काम हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आज का दिन है, जो टुडे है, वो तो फिनिश तो नहीं हुआ ना, फिनिश तो भाई जाकर इस पॉइंट पे होगा वो, है ना? फिनिश तो उसको कहाँ होना है? इस पॉइंट पर होना है। तो जो काम होने का काम है भाई, वो किसकी तरफ इशारा जा रहा है भाई? इस टाइम की तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, तो आपका भाई टुडे के लिए 5th नंबर के लिए जो आंसर रहा साथियों, वो रहा आपका विल हैव पेट। 5th नंबर के लिए क्या रहा साथियों? विल हैव पेट। ठीक है भाई, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कंटेंट है ये बड़ा ही मोहब्बत भरा लग रहा होगा, बड़ा ही इस पर प्यार आ रहा होगा आपको, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख भी रहे होंगे। ठीक है साथियों, इस कंटेंट को आप किसी भी पेपर में लेकर उतर जाएं, चाहे वो HSSC है, SSC है, CHSL है, ठीक है, कोई भी पेपर आपका है उसके अंदर आप उतर जाइए इसको लेकर। ठीक है, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट इंग्लिश हम आपको यहाँ पर देंगे यूट्यूब चैनल पर ही। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, आगे बढ़िए बेटा, आगे चलते हैं हम भाई 6th नंबर सेंटेंस की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, बाय दिस वीक। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, फिर वही बात है यहाँ। ठीक है, यस, फिर वही बात है भाई, दिस वीक भाई कोई भी वीक है, उस वीक को अगर हम डिफाइन करेंगे तो भाई वीक आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ भाई? आपका वीक स्टार्ट हुआ भाई संडे से स्टार्ट हुआ, और सैटरडे तक वो भाई चला। ठीक है, संडे से स्टार्ट हुआ, सैटरडे तक वो चला। ठीक है, और सपोज करो कि जो आज डे है भाई वो फ्राइडे हो, इस आज डे है मान लो वो फ्राइडे हो, तो यहाँ आपका फ्राइडे है, संडे, मंडे, बाई ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे, और भाई ये आपका फ्राइडे। ठीक है, तो जो वीक है वो ख़त्म कहाँ होना है भाई? वो तो ख़त्म, वीकेंड डे तो क्या है भाई? सैटरडे है, है ना? तो जो आपका काम है ना, तो संडे को हुआ, ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना वेनसडे, ना थर्सडे, ना फ्राइडे। ठीक है, लेकिन कहा ये कि भाई बाय दिस वीक, तो बाय दिस वीक तो यहाँ है भाई, तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई? ठीक ऊपर वाले सेंटेंस की तरह, यस, इस बचे हुए टाइम की तरफ भाई ये संकेत यहाँ दे रहा है। तो इसके लिए भी आपका जो 6th नंबर है उसके लिए भी साथियों जो टेंस आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? ये सॉरी ऑप्शन जो आपका रहेगा भाई वो क्या रहेगा? विल हैव पेड। ठीक है, तो जो टेंस है राज विल हैव पेड द फी बाय दिस वीक। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं भी बाय नाउ।
इस बाय नाउ। अब कहीं पे भी मान लीजिए कि यहाँ है भाई, ये प्रेजेंट है और ये कीवर्ड किसका है भाई, नाउ। ये तो प्रेजेंट, इस प्रेजेंट का ही कीवर्ड है, ठीक है, प्रेजेंट का ही कीवर्ड है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, बाय नाउ, यानी इस समय तक। इस तो सेवन्थ नंबर के लिए क्या है साथियों, राज हैज पेड द फी बाय नाउ। आपने अगर मेरे साथ में कंपेरेटिव एनालिसिस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट और हमने प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंपेरेटिव एनालिसिस किया था, उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कुछ कीवर्ड्स, और मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो बाय नाउ है ना, ये उन कीवर्ड्स के अंदर था भाई, बाय नाउ, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाय दिस टाइम, है ना, ये आ जाए तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हमें ये बताते हैं, ठीक है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ है ये बड़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी, ठीक है भाई। ये जो बाय है ना, ये बड़ा ही परेशान करता है, ठीक है, ध्यान से इसको संभालना। मैं आगे चलता हूँ भाई, एक और खूबसूरत प्रेपोजिशन हमारे पास में है, और उस प्रेपोजिशन के पास हम जाते हैं भाई, उस प्रेपोजिशन के पास हम चलते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कर लेता हूँ साथियों, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।